दोस्तों अगर हम अपना घर बनाने का ठेका सीधे ठेकेदार को दे देते हैं तो ऐसे में हमें किसी भी तरह के लेबर रेट जानने की जरूरत नहीं पड़ती चाहे हम घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेट पे दें विदाउट मेटेरियल या फिर विद मेटेरियल हमें किसी भी तरह के लेबर रेट से कोई लेना देना नहीं होता सीधा कॉन्ट्रैक्टर का पर स्क्वेयर फीट का एक रेट फिक्स हो जाता है पर अगर हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर को सीधा काम न देकर खुद से लेबर रखकर मकान बनवाते हैं तो ऐसे में हमें हर अलग अलग कामों के लेबर के रेट जानने की जरूरत पड़ती है जैसे ब्रिक वर्क चिनाई वाले मिस्त्री लेबर का क्या रेट होता है शटरिंग और सरिया काटने बांधने वाले क्या रेट लेते हैं कॉन्क्रीट करने वाली लेबर क्या रेट लेती है प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन टाइल और मार्बल लगाने वाले क्या रेट लेते हैं पेंट पुट्टी और पीओपी करने वालों का क्या रेट होता है और डोर या विंडो फ्रेम ग्रिल और रेलिंग लगाने वाले क्या रेट लेते हैं मीन्स नींव की खुदाई से घर की फिनिशिंग तक जो भी काम लेबर करती है वे उसका क्या रेट लेते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको घर की कंस्ट्रक्शन में लगने वाली हर तरह की लेबर के लेबर रेट के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा जो किसी भी होम ओनर को अपना घर बनाने से पहले जरूर पता होनी चाहिए ताकि वे अपना बजट अच्छे से बना सके तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और खासकर उन लोगों के लिए जो अपना मकान बनाने जा रहे हैं या फिर बनवाने जा रहे हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे और हाँ वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर आज जो जानकारी आपको मिलेगी वो अभी तक शायद ही आपको किसी वीडियो में मिले और एक बात के वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस पूरे लेबर रेट की पीडीएफ कॉपी भी दूंगा तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और यकीनन, अगर आपको जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक तो आप लोग कर ही दोगे और ज्यादा ही पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर देना ओके फ्रेंड्स तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम मेनली किन किन चीजों को कवर करेंगे तो नंबर वन तो सबसे पहले हम देखेंगे सभी तरह के हाउस कंस्ट्रक्शन के लेबर रेट सेकंड हम देखेंगे कि अगर हम अपने मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट लेबर ठेकेदार को दे देते हैं तो वो हमें इस पर स्क्वायर फीट के रेट में क्या क्या काम करके देगा और क्या नहीं करके देगा मीन्स किन किन कामों के लिए हमें अलग से एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे थर्ड हम बात करेंगे कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में क्या क्या टूल्स और मटेरियल रहता है जो उसे आपको नहीं देना होता फोर्थ मैं आपको बताऊंगा कि ग्राउंड फ्लोर के बजाय फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन के लेबर रेट में क्या डिफरेंस आता है और फिफ्थ में आपको अलग अलग कामों के डिफरेंट लेबर और वर्कर के डेली वेजेस और रेट्स के बारे में भी जानकारी दूंगा तो मेनली इन पांच टॉपिक को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए वन वन बाय देख लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपको भी अपने नए घर के लिए टू प्लानिंग करवानी है थ्री प्लानिंग या थ्री फ्रंट एलिवेशन रेडी करवाना है या फिर किसी भी तरह की कॉलम बीम स्लैब स्टेयर और इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की स्ट्रक्चरल और ज्वाइनरी डिटेलिंग की ड्रॉइंग बनवानी है तो आप हमसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आपको हमें अपना प्लॉट साइज लिखकर व्हाट्सअप करना है आपको बता दिया जाएगा कि आपका क्या खर्चा आएगा ओके फ्रेंड्स तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड के बारे में समझते हैं तो पहली बात आप हमेशा ध्यान रखना कि आप अपना घर मेनली तीन तरीकों से ही बनवा सकते हैं पहला तो कॉन्ट्रेक्टर को विद मेटेरियल काम देकर दूसरा लेबर कॉन्ट्रेक्टर को काम देकर इसमें मेटेरियल आपको देना होता है और तीसरा डेली बेसिस पर लेबर हायर करके तो ये तीन तरीके होते हैं घर बनवाने के तो डेली बेसिस पर लेबर के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं लेबर कॉन्ट्रेक्टर के बारे में मतलब कि अगर आप अपने घर बनाने का ठेका डायरेक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो इंडिया में लेबर कॉन्ट्रैक्टर का रेट हर डिफरेंट स्टेट और सिटी में वेरी करता है जो जनरली दो रुपए से लेकर तीन रुपए तक रहता है सभी तरह की रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग का जो सिर्फ स्ट्रक्चर और सिविल वर्क का रेट रहता है बाकी से रुपए फीट फिनिशिंग की लेबर लेबर कॉस्ट आपकी अलग रहती है इसमें सभी तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल को आप प्रोवाइड करते हैं इसलिए जब भी आप अपने मकान बनाने का ठेका किसी लेबर ठेकेदार को दे तो उसके साथ एक लेबर कॉन्ट्रेक्टर एग्रीमेंट जरूर बनवा ले कि तय किए गए रेट में ठेकेदार आपको क्या क्या काम करके देगा और क्या क्या मेटेरियल उसके स्कोप में रहेगा और कॉन्ट्रेक्टर के एग्रीमेंट की डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है आप इस वीडियो को देखकर एग्रीमेंट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में ही मिल जाएगा आइए अब हम बात कर लेते हैं कि घर बनाने के लिए अलग अलग कामों के क्या क्या रेट चल रहे हैं तो नंबर वन है एक्सकवेशन यानी कि फुटिंग फाउंडेशन और नींव के लिए खुदाई का काम जिसका रेट है आठ से दस रुपए पर स्क्वेयर फीट तक सॉफ्ट सोइल में और क्यूबिक मीटर में देखें तो ढाई से साढ़े रुपए पर क्यूबिक मीटर तक नंबर टू है मुरूम और सोइल फिलिंग वर्क हमें प्लिंथ बीम की ढलाई के बाद इसके बीच की खाली जगह को मिट्टी या मुरूम से फिल करना होता है जिसका रेट है चार से पांच रुपए पर क्यूबिक फीट और 140 से एक रुपए क्यूबिक मीटर तक इसमें आपकी लेबर और मटेरियल दोनों की कॉस्ट इंक्लूड है आपका विद मटेरियल मिट्टी फिलिंग का खर्चा मैक्सिमम एक रुपए क्यूबिक मीटर तक आता है नंबर थ्री फुटिंग फाउंडेशन टैंक सेप्टिक टैंक के नीचे बेस को लेवल करने के लिए पीसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट डाली जाती है जिसका लेबर रेट है 35 से चालीस रुपए पर स्क्वेयर फीट या तीन सौ चालीस रुपए से साढ़े चार सौ रुपए पर क्यूबिक मीटर तक और अगर कॉन्क्रीट फ्लोर की पीसीसी हो तो उसका लेबर रेट रहता है 15 से बीस रुपए पर स्क्वेयर फीट तक नंबर फोर है कॉन्क्रीट सबसे पहले जो हम फुटिंग फाउंडेशन में कॉन्क्रीट करवाते हैं ब्लॉक ग्राउंड लेवल उसका लेबर रेट है 40 से 45 रुपए पर क्यूबिक फीट तक और 1400 से 1450 रुपए पर क्यूबिक मीटर तक सेकंड कॉलम में कंक्रीट कास्टिंग का लेबर रेट है अट्ठावन से पैसठ रुपए पर क्यूबिक फीट तक और 1800 से 2150 रुपए पर क्यूबिक मीटर तक थर्ड बीम के कंक्रीट कास्टिंग का भी सेम रेट है अट्ठावन से पैसठ रुपए क्यूबिक फीट और 1800 से 2150 रुपए पर क्यूबिक मीटर तक और फोर्थ आरसीसी रूफ और बीम के कंक्रीट कास्टिंग का रेट भी सेम रहता है अट्ठावन से पैंसठ रुपए पर क्यूबिक फीट और 1800 रुपए से 2150 रुपए पर क्यूबिक मीटर तक यानी कि मतलब यह है कि सिर्फ पीसीसी करने का रेट अलग होता है बाकी सभी मेंबर की कॉन्क्रीट कास्टिंग का रेट लगभग सेम ही रहता है फिफ्थ है स्लोप रूफ कॉन्क्रीट यानी कि जो रूफ स्लोप में हो उसकी कंक्रीट कास्टिंग का रेट है सत्तर से पिछहत्तर रुपए क्यूबिक फीट और पच्चीस से छब्बीस रुपए क्यूबिक मीटर तक और सिक्स किसी भी तरह के कैंटिलीवर और एलिवेटेड स्लैब की कंक्रीट कास्टिंग का रेट है साठ से पैंसठ रुपए पर क्यूबिक फीट और 2100 से तेईस रुपए पर क्यूबिक मीटर तक नंबर पांच हम बात करते हैं ब्रिक वर्क और ब्लॉक वर्क की मींस ईंट और ब्लॉक की चिनाई करने का लेबर रेट ईंट और ब्लॉक से चिनाई करने का लेबर रेट रहता है 20 से पैंतीस रुपए पर स्क्वायर फीट तक जो डिपेंड करता है वॉल की थिकनेस और लोकेशन पर जैसे कि अगर आप 4 या इंच का ब्रिक वर्क और ब्लॉक वर्क करवाते हैं तो उसका रेट रहता है बीस से बाईस रुपए पर स्क्वेयर फीट तक छह इंच की ब्रिक वर्क और ब्लॉक वर्क का रेट रहता है अप्रोक्स चौबीस से छब्बीस रुपए पर स्क्वेर फीट तक और आठ या नौ इंच की ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क का रेट चल रहा है तीस से पैंतीस रुपए पर स्क्वेयर फीट तक नंबर सिक्स है स्टील रिइंफोर्समेंट बार बाइंडिंग यानी कि सरिये को काटने मोड़ने और बांधने का लेबर रेट जो है चार से रुपए पर छजी या चार हजार से छह हजार रुपए पर मेट्रिक टन नंबर सेवन है प्लास्टरिंग वर्क प्लास्टरिंग का लेबर रेट चल रहा है पंद्रह से पच्चीस रुपए स्क्वेर फीट तक यह भी डिपेंड करता है प्लास्टरिंग की थिकनेस मेंबर और फिनिशिंग पर जैसे कि अगर हम बीस एम एम थिकनेस का एक्सटर्नल प्लास्टर करवाते हैं तो उसका लेबर रेट है बीस से बाईस रुपए पर स्क्वेयर फीट तक बारह एम एम थिक इंटरनल प्लास्टिक कराने का लेबर रेट है पंद्रह से अठारह रुपए पर स्क्वेयर फीट तक छह एम एम थिक सीलिंग और कॉन्क्रीट वाल पर प्लास्टिंग कराने का लेबर रेट है पंद्रह से अट्ठारह रुपए पर स्क्वेयर फीट तक वाटर प्रूफिंग प्लास्टर कराने का लेबर रेट है बाईस से पच्चीस रुपए पर स्क्वेयर फीट तक स्टेयर केस यानी कि जीने के स्टेप्स पर प्लास्टर कराने का लेबर रेट चल रहा है पंद्रह से अट्ठारह रुपए पर स्क्वेयर फीट तक रफ वॉल प्लास्टिंग का लेबर रेट रहता है सात से दस रुपए पर स्क्वेयर फीट तक और पैरागोला प्लास्टिंग वर्क का लेबर रेट रहता है बत्तीस से पैंतीस रुपए पर मीटर एक्सटर्नल प्लास्टिंग वर्क का रेट सबसे ज्यादा है लार्ज वाटर स्टोरेज के लिए बनवाते हैं जो एक अंडरग्राउंड टैंक होता है यह हम बेसिकली दो तरह से बनवाते हैं या तो हम ब्रिक मेजनरी का बनवाएंगे या फिर हम आरसीसी का बनवाते हैं तो अगर हम ब्रिक मेजेंडी कामटैंक बनवाते हैं तो उसकी लेबर कॉस्ट रहती है तीन से पांच रुपए लीटर और अगर हम आरसीसी का बनवाते हैं तो उसकी लेबर कॉस्ट रहती है पैंतीस से चालीस रुपए लीटर तक जो सिटी टू सिटी वेरी कर सकती है नंबर है ओवरहेड वाटर कंस्ट्रक्शन जिसका लेबर रेट भी तीन से पांच रुपए पर लीटर तक रहता है जो वेरी कर सकता है टैंक के साइज पर नंबर टेन किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर की शटरिंग का काम हो जैसे फुटिंग फाउंडेशन बीम्स कॉलम स्लैब और स्टेयर वगैरह इन सब की शटरिंग का लेबर रेट रहता है 35 से चालीस रुपए पर स्क्वायर फीट और 3 से चार रुपए पर स्क्वायर मीटर नंबर 11 शटरिंग बोर्ड बनाने का भी सेम रेट रहता है 35 से चालीस रुपए पर स्क्वायर फीट और 3 से चार रुपए पर स्क्वायर मीटर तक नंबर 12 अब हम बात करते हैं स्कैब फोल्डिंग और स्टेजिंग वर्क के लेबर रेट की स्टेजिंग और स्कै फोल्डिंग लगाने का लेबर चार्ज करती है दस से बारह रुपए पर स्क्वेयर फीट तक नंबर थर्टीन है पैरापेट वॉल कंस्ट्रक्शन जिसका लेबर रेट पैंतालीस से पचास रुपए पर स्क्र फीट तक रहता है पैरापेट वॉल हम जो छत पर चारों तरफ तीन से चार फीट की चार इंच की बाउंड्री वॉल बनाते हैं उसे कहते हैं और यह पचास रुपए पर स्क्र फीट पैरापिड वॉल की कंस्ट्रक्शन का मैक्सिमम रेट है आप इससे ज्यादा न दे इस पचास रुपए स्क्वेयर फीट में कॉन्ट्रेक्टर आपको ब्रिक या ब्लॉक मेजनरी करके देगा प्लास्टिक के साथ इसके अलावा प्लिंथ बीम मेजनरी टेरेस फ्लोर मेजनरी डक्ट मेजनरी और बेस कोर्स मार्किंग मेजनरी के भी डिफरेंट लेबर रेट रहते हैं ये रेट जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.myengineeringsupport.com पर विजिट कर सकते हैं यहां हमने काफी डिटेल में मेटेरियल और लेबर रेट के बारे में जानकारी दी है और नंबर फोर्टीन है साइज स्टोन मेजनरी इसका लेबर रेट रहता है चालीस रुपए पर क्यूबिक फीट तो मेनली ये चौदह काम हमारे सिविल स्ट्रक्चर वर्क में आते हैं सेकेंड अब हम बात करते हैं फिनिशिंग वर्क के लेबर रेट की तो सबसे पहले है घर में इलेक्ट्रिकल पाइप स्विच सॉकेट बोर्ड फिटिंग और वायरिंग कराने का लेबर रेट

दीवारों में झीरी काटकर पाइप डालने और इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने का इलेक्ट्रिशियन लेबर रेट है अट्ठारह से बीस रुपए पर रनिंग फिट एमसीबी का लेता है पर एमसीबी के बेस पर डेढ़ सौ से एक सौ साठ रुपए पर एमसीबी पर स्विच डेढ़ सौ सो रुपए सॉकेट प्लस स्विच तीन सौ रुपए सेकेंड है वाटर एंड प्लंबिंग वर्क्स प्लंबिंग का काम भी आप दो तरीके से करवा सकते हैं पहला तो प्लंबर आपको स्लैब एरिया के बेस पर चार्ज करता है जो प्लंबर का रेट रहता है दस से पंद्रह रुपए पर स्क्वेर फीट इसमें वो आपके सभी बाथरूम किचन और टॉयलेट में पूरी पाइप फिटिंग करके देगा चाहे वो सीपीवीसी की हो या यूपीवीसी की जो पाइप दीवारों में झीरी काटकर डाले जाते हैं सोलिड वेस्ट और पानी के पाइप जमीन में डाल कर देगा और सभी तरह की एसेसरी जैसे टैप्स टैब्सूसी क्लोसेट वॉश बेसिन और सोवर लगा कर देगा जैसे मान लो आपका स्लैब एरिया एक हजार स्क्वेयर फीट है तो वह आपसे पंद्रह रुपए के रेट से मैक्सिमम पंद्रह हजार रुपए तक लेगा और सेकंड इसे आप पर बाथरूम के हिसाब से भी दे सकते हैं जो पर बाथरूम आपसे पांच से सात हजार रुपए लेगा बात सेम ही पड़ती है कैसे भी काम कराओ क्योंकि एक हजार स्क्वेर फीट के घर में आपने ज्यादा से ज्यादा दो ही टॉयलेट बाथरूम पड़ते हैं जिसके वो आपसे चौदह से पंद्रह हजार रुपये ही चार्ज कर सकता है और अगर आप काम रनिंग फिट के बेस पर देते हैं तो ये महंगा पड़ता है क्योंकि दीवारों में सीपीवीसी और यूपीवीसी पाइप फिटिंग के लिए वो आपसे चार्ज करेगा पच्चीस से तीस रुपए पर रनिंग फिट और नीचे जमीन में जो तो खुदाई करके पाइप डालेगा उसके भी वह लेगा ले पैंसठ से सत्तर रुपए पर रनिंग फिट इसके अलावा डब्ल्यूसी वॉश बेसिन सोवर और टैप्स वगैरह की फिटिंग के लिए वो अलग से चार्ज करेगा तो बेहतर है आप पहले दो तरीकों को ही फॉलो करके अपना प्लम्बिंग काम कराएं थर्ड है पुट्टी प्राइमर और पेंट वर्क का लेबर रेट इसका एक पेंटर चार्ज करता है आठ से बारह रुपए पर स्क्वायर फिट तक जिसमें वो पहले आपको आपकी प्लास्टिक बॉल पर दो कोट पुट्टी करके देगा फिर एक कोट प्राइमर का और फिर पेंट करेगा दो कोट इन तीनों काम को करने का एक पेंटर का रेट है आठ से बारह रुपए पर स्क्वायर फीट और सिर्फ पुट्टी करने का एक पेंटर का रेट रहता है तीन से चार रुपए पर स्क्वायर फीट और सिर्फ पेंट करने का एक पेंटर का रेट रहता है पांच से आठ रुपए पर स्क्वायर फीट फोर्थ है टाइलिंग एंड फ्लोरिंग वर्क फ्लोरिंग पर टाइल लगाने का लेबर रेट है पंद्रह से बीस रुपए पर स्क्वायर फीट और स्कर्टिंग जो दीवारों के चारों तरफ दो से तीन इंच की पट्टी लगाई जाती है इसका लेबर रेट है तेरह से पंद्रह रुपए पर रनिंग फीट हाँ, किचन और बाथरूम की दीवारों पर स्प्लैश और डेडो टाइल्स लगाने का लेबर रेट फर्श के बजाय दो से तीन रुपए महंगा रहता है जिसका लेबर रेट चल रहा है अट्ठारह से बाईस रुपए पर स्क्वेयर फीट तक नंबर पांच मार्बल एंड ग्रेनाइट फिक्सिंग लेबर रेट मींस के मार्बल और ग्रेनाइट लगाने का लेबर रेट क्या रहता है तो नंबर वन तो हम किचन काउंटर टॉप पर ग्रेनाइट लगाते हैं जिसका लेबर चार्ज करती है छे से साढ़े रुपए पर रनिंग फीट

चार्ज करता है अप्रोक्स बीस से तीस रुपए पर स्क्र फीट तक सेवंथ है सैनिटरी वर्क जिसका लेबर रेट रहता है से 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 रुपए रुपए पर पर फीट तक नंबर नंबर एक वेंटिलेटर लगाने का लेबर रेट रहता है 300 से 300 पर पीस चार इंच के प्लास्टिक ग्रू बनाने का लेबर रेट है बारह से पंद्रह रुपए पर रनिंग फीट नंबर टेन ग्रुव कटिंग का लेबर रेट रहता है अट्ठारह से बीस रुपए पर रनिंग मीटर तक नंबर ग्यारह दो से तीन इंच के बैंड बनाने का लेबर रेट रहता है तीस रुपए पर रनिंग फीट तक नंबर ट्वेल्व चीपिंग और ड्रिलिंग का लेबर रेट रहता है नब्बे से एक सौ बीस रूपये पर आवर नंबर थर्टीन हैकिंग का लेबर रेट है डेढ़ से दो रुपए पर स्क्वायर फीट तक नंबर फोर्टीन बनाने का लेबर रेट से एक सौ पचास कराने का लेबर चार्ज जो रहता है बीस से पच्चीस रुपए पर स्क्वायर फीट और नंबर सिक्सटी है रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क जिसका लेबर रेट है तीन से पांच रुपए पर स्क्वायर फीट तो ये है आज 2023 में हाउस कंस्ट्रक्शन कराने के सभी कामों के लेबर रेट जिसमें 15 से 20 परसेंट लेबर कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी इंक्लूड है पर अगर आप इन सभी लेबर रेट को 15 से 20 परसेंट ओवरकम करना चाहते हैं तो फिर आप अपने घर बनाने का लेबर मिस्त्री पर डे काम का अगर आप अपना घर बनाने का काम लेबर कॉन्ट्रेक्टर को दे देते हैं उसका पर फीट का रेट तय करके तो इस पर स्क्तर फीट के रेट में उसके क्या क्या इंक्लूड रहते हैं और क्या क्या काम नहीं करके देगा इसके बारे में भी आपको सही से पता होना चाहिए आइए देख लेते हैं तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि आज लेबर कॉन्ट्रेक्टर घर बनाने का आपसे अप्रोक्स दो सौ से तीन सौ रुपए स्वयर फीट तक चार्ज करते हैं जो तो रेट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो आपको क्या क्या काम करके देगा और क्या नहीं करके देगा और दूसरी सिटी और लोकेशन के बेस पर पर फ्रेंड्स आपके यहाँ लेबर कॉन्ट्रेक्ट का रेट जो भी हो पर यह काम उसके रेट में इंक्लूड होते ही है जैसे एक्सकवेशन नीम की खुदाई पीसीसी प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट सभी स्ट्रक्चरल मेंबर जैसे फूटिंग कॉलम बीम स्लैब स्टेयर

कच्ची फ्लोरिंग करके देना और छत पर रखी जाने वाली पानी की टंकी के नीचे बेस बनाकर देना यह सभी काम एक लेबर कॉन्ट्रेक्टर इस पर स्क्वेर फीट के रेट में करके देता है और आपको शामिल करने भी चाहिए अगर कॉन्ट्रेक्टर इनमें से कोई भी काम करने को मना कर रहा है तो उसके रेट को आप उसी हिसाब से तय करें सेकेंड हम देखते हैं कि इस रेट में कॉन्ट्रेक्टर आपको क्या क्या काम नहीं करके देगा जिसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे पहला तो वो आपको आपकी रूफ यानी कि टेरेस पर पैरापेट वॉल बनाकर नहीं देगा

किसी भी तरह की कैंटी और एलिवेटेड स्लैब का काम स्लो प्रूफ की कॉन्क्रीट वाटर प्रूफिंग और किसी भी तरह की एंटी ट्रीटमेंट वह आपको इस रेट में नहीं करके देता है, इसके लिए आपको अलग से देना होता है। मैंने ऑलरेडी आपको इन सभी कामों के लेबर रेट के बारे में बता दिया है उसी के हिसाब से रेट करके आप ये काम करवा सकते हैं अच्छा चार और जरूरी बातें हैं जो कुछ कॉन्ट्रेक्टर तो सेम रेट में कर देते हैं और कुछ नहीं जैसे पहला है मेन गेट की रैम्प कंस्ट्रक्शन जो घर के बाहर रैम्प बनता है सेकंड सभी स्ट्रक्चरल मेंबर की समय समय पर क्यूरिंग मीन तराई थर्ड स्लैब के साथ डलने वाली स्टेरकेस और फोर्थ स्लैब में आने वाले लटक बीम ये चार ऐसे काम हैं जो बहुत से कॉन्ट्रेक्टर सेम रेट में कर देते हैं पर बहुत से मना करते हैं तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही आप अपने लेबर कॉन्ट्रेक्टर का रेट तय करें अब थर्ड इन कामों के लिए सभी तरह की शटरिंग मटेरियल जैसे कॉलम बीम और स्लैब के लिए शटरिंग प्लेट्स बोर्ड और बैटन वगैरह ये सभी लेबर कॉन्ट्रेक्ट के ही होते हैं ये आपको नहीं देने होते कंक्रीट वाइब्रेटर कंक्रीट मिक्सर और सभी छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन टूल जैसे फावड़ा गैती तसला कुदाल फंटी करनी रस्सी सीढ़ी प्लम्बो हथोड़ा मेजरिंग टेप छैनी सब्बल ये सभी टूल्स भी लेबर कॉन्ट्रेक्टर के ही होते हैं ये आपको नहीं देने होते ओके फ्रेंड्स okay, और तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी लेबर रेट्स मैंने आपको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन के बताए हैं जैसे जैसे आपके फ्लोर बढ़ेंगे तो आपकी मेटेरियल क्वांटिटी और कॉस्ट तो कम होती जाएगी पर लेबर की कॉस्ट बढ़ती जाएगी जैसे फर्स्ट फ्लोर पर ये रेट दस परसेंट इंक्रीज हो जाएंगे थर्ड फ्लोर पर बीस परसेंट लेबर रेट बढ़ जाएंगे और फ्लोर पर 25 रेट इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे मकान की ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे मेटर की लीड यानी शिफ्टिंग भी बढ़ने लगती है उसी की वजह से ये रेट इंक्रीज हो जाते हैं जल्दी से देख लेते हैं जिसमें पहला जो ईट की चिनाई वाले कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक स्किल्ड मिस्त्री का पर डे का रेट है 700 से 800 रुपए 8 घंटे की ड्यूटी का सेकंड एक सेमी स्किल्ड मिशन का रेट चल रहा है 600 से 700 रुपए पर डे का थर्ड स्किल्ड लेबर का रेट चल रहा है 500 से 600 सौ रुपए एक सेमी स्किल्ड लेबर का रेट चल रहा है साढ़े चार से पांच रुपए एक प्लम्बर का रेट चल रहा है आठ से हजार रुपए एक इलेक्ट्रीशियन का रेट चल रहा है हजार से बारह रुपए एक कारपेंटर का रेट चल रहा है आठ से हजार रुपए और एक प्रिंटर का रेट चल रहा है साढ़े सात सौ से आठ सौ रुपए की ड्यूटी के हैं इस बात का आप ध्यान रखना ओके फ्रेंड्स okay, तो ये है घर बनाने के सभी तरह के कामों के लेबर रेट तो आई होप कि ये जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आपको अपना घर बनाते हुए कुछ ना कुछ मदद तो जरूर करेगी तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ज्यादा ही पसंद आई हो तो इसे शेयर भी कर देना ताकि यह जानकारी और लोगों के भी काम आ सके और अगर आप इस पूरे लेबर रेट की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर विजिट करके टॉप में जो ये आपको गेट पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है यहां क्लिक करें यहां आपको यह पीडीएफ टॉप में ही मिल जाएगी आप इसे यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली हमें कमेंट करें आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा तो वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भाई मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय एंड हैव एनस्ट डे